मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। नींद आ रही है? कितने लोगों को नींद आ रही है? अरे तीन लाइनें बन रहे फिर भी हॉल हाफ भरा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझते हो, जो लाइफ लाइन बंद है फिर भी हॉल भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हम जीतने के लिए तैयार है। तो खुद के लिए तालियां कैसे होनी चाहिए? मैंने आवाज नहीं करने को बोला, मैंने सीटियां बताने के लिए बोला। गुड मॉर्निंग डियर, एक बहुत बढ़िया सा आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लिए आज क्या है? महिला दिवस है। नवरात्र चालू है, शुरू शुरू से आज लक्ष्मी पंचमी है, सभी लक्ष्मियां हाजिर है, है ना? ओके। 19 मार्च को कितने लोग यहाँ आए थे? 19 मार्च को मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितनी महिलाएं आई थी 19 मार्च को सुनने के लिए वो यहां आ जाए। 19 मार्च को जितनी महिलाएं सुनने के लिए आई थी, चाइना बोल रहा है। 19 मार्च को कितनी महिलाएं सुनने के लिए आई थी? क्या बात है, तालियां होनी चाहिए महिलाओं के लिए। मीटिंग हुआ था, महिला दिवस का मीटिंग हुआ था, 75% जेंट्स थे और 25% सिर्फ महिलाएं थी, एक सत्कार बाकी था। उस दिन शाम को 7 बजे मराठी का कार्यक्रम था, बावजूद एक स्पीकर इतना लंबे से यहाँ के मीटिंग के लिए आई, उसके बाद आरबीसी चैनल का मराठी का सेशन लिया, उसको सम्मानित किया जाएगा। yes. कैसे करेंगे? और मैं चाहती हूँ जिस महिला ने सेशन लिया था उसका सम्मान किया जाए। मिस नलिनी बेटर अवर, धन्यवाद नलिनी मैडम। त्या दिवशी संध्याकाळी एवढा कार्यक्रम असून सुद्धा तुम्ही इथे उपस्थित होता, एक सेशन आपने लिया, एक जबरदस्त सेशन लिया, लेकिन उस दिन वो सम्मान नहीं कर पाए, उस दिन का टाइम थोड़ा ये था, तो आज मैं चाहती थी कि आपके सम्मान से ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। जब एक बेटी खड़ी होती है तो विजय कैसी होती है? बड़ी होती है। जब एक बेटी खड़ी होती है तो विजय कैसी होती है? बड़ी होती है। वो बड़ी विजय चाहते हो आप? yes. बड़ी वाली विजय चाहते हो? कामयाबी yes. चाहते हो? yes. मैं पूछना चाहती हूँ आपको, कामयाबी के लिए कितना टैलेंट जरूरी है? अगर किसी को कामयाब होना है तो कितना टैलेंट जरूरी है? 5%, 10%, 2%, 3%, कितना टक्का कामयाबी के लिए टैलेंट जरूरी है? टैलेंट यानी प्रतिभा, शक्ति, प्रतिभा जो अंदर से होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, बहुत सारे चीजें होनी चाहिए कामयाबी के लिए, टैलेंट कितना जरूरी है? परसेंटेज फटाफट बोलेंगे तो हम सेशन भी अच्छे से मजे से करेंगे। 10%, 20%, प्लीज बोलिए। महिलाएं भी बोलेंगी और बंधु भी बोलेंगे क्योंकि आज दोनों भी हाजिर है। 50%, वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए। कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? 99 कौन बोले? तालियां इनके लिए होनी चाहिए। कितना टैलेंट
टैलेंट जरूरी है कामयाबी के लिए, जीतने के लिए, साम्राज्य करने के लिए? अनलिमिटेड, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। फिर भी मुझे उत्तर अपेक्षित है। किनको लगता है कि कामयाबी के लिए टैलेंट जरूरी है? हाथ ऊपर करें। किनको लगता है कामयाबी के लिए टैलेंट जरूरी नहीं है? प्रतिभा शक्ति नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कितने लोगों को लगता है? कोई किसी को भी नहीं लगता है। आपको लगता है कि टैलेंट नहीं है तो भी कामयाब हो सकते हैं? नहीं, हाँ, तो टैलेंट जरूरी है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आई वांट टू आस्क यू कि टैलेंट कितना जरूरी है कामयाब होने के लिए, जीतने के लिए? अगर टैलेंट नहीं है तो भी आ जाएगा, सिस्टम से ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, वैसे आपने अंधे, लूले, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको बोलने नहीं आता, ऐसे लोगों को माहिर होते हुए देखा है? क्या उनमें टैलेंट है? जो अशिक्षित है उनको भी माहिर होते हुए, बाप होते हुए देखा है, मास्टर होते हुए देखा है, क्या उनमें टैलेंट है? टैलेंट जरूरी नहीं है। मैं आपको ऐसी 10 चीजें बोलूंगी, जो 10 चीजें आप अच्छे से समझ लो तो आपको टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर भी आगे बढ़ सकोगे, अपना एक वजूद, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो। इसका मतलब कामयाबी के लिए टैलेंट की जरूरत कितनी है? कितनी है? जीरो। अजया पढ़ाइएगा, कितनी है? जीरो। तो हम देखेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर ये 10 चीजें उस व्यक्ति में है तो वो कामयाब हो सकता है ना, बावजूद उसके पास कोई टैलेंट नहीं है? टाइम पंचालिटी, अगर कोई वक्त पे आता है, सही मायने पे वक्त पे आता है तो जीत सकता है। जिसने समय को जीत लिया वो कभी भी अपने आप को जीत सकता है। वो अंगूठा छाप होगा, शिक्षित होगा, साइंटिस्ट होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, वो गांव का एक पानी भरने वाला होगा, मजदूर होगा, या गांव का ग्वाला होगा। सही टाइम पे अगर घर पे दूध नहीं पहुंचाया तो चाय बनेगी क्या? तो टाइम पंचुअलिटी कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी। 10 चीजें मैं आपको बोलने वाली हूँ, उसमें से पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट, टाइम पंचुअलिटी। अगर आप टाइम पे पहुंचते हो तो टैलेंट आपके घर पे पानी भरेगा, मतलब आपको जीत ही मिलेगी, आप एक मास्टर बन सकते हो। टाइम को जिसने, ये प्राकृतिक चीज है, सबके पास 24 घंटा है, लेकिन आप उसको कैसे यूज करते हो, उसका रूटीन कैसे करते हो, ये बहुत जरूरी होता है। हर चीज का अपना एक टाइम है, और उस टाइम पे अगर आपने उठाया, उस टाइम को अगर आपने अच्छे से अपने में ले लिया तो आप जीत सकते हो। पॉसिबल है? एक चीज बराबर है, टाइम पंचुअलिटी बहुत जरूरी है। टाइम पे मिले तो ठीक है, टाइम पे निर्णय लिया तो ठीक है, नहीं तो काम से गए। एथिक्स हमारे गुरु ने भी सिखाया है, अगर गुरु कुछ कहते हैं तो यही कहते हैं कि गलत चीज मत करना, अच्छी चीज करना, और अच्छी चीज के लिए हमेशा हम जान पे भी तैयार रहते हैं। बराबर है? Yes. जो नैतिकता है, अन्याय है, वैसी चीज करना गलत है। अच्छी चीज अगर आप करोगे, डेट्स एंड बिजनेस कैसा है? एथिक बिजनेस है। गलत चीज कर रहे हैं हम? अच्छी चीज मार्केट में दे रहे हैं। आपने कल का अगर परचम देखा होगा, बैंगलोर सिटी को एयर और वाटर, मतलब हवा और पानी के लिए दूषित डिक्लेयर कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। एथिकली हम कुछ चीजें
मार्केट में दे रहे हैं। तो हमारा बिजनेस कैसा है? नीतिमत्ता से, न्याय से चलने वाला बिजनेस है। अगर आपके पास नीतिमत्ता और न्याय और अच्छा बिजनेस है, आपके पास टैलेंट नहीं है, आप जीत सकते हो, मास्टर बन सकते हो, बन सकते हो, क्योंकि ये अच्छी चीज जो न्याय नीति वाली चीज है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। एफर्ट्स, कितने एफर्ट्स लगते हैं एक चीज को बदलने के लिए, एक चीज को करने के लिए? अगर एक मां 20 किलो का वजन भी नहीं उठा सकती, लेकिन एक मिनी ट्रक के नीचे बच्चा आ जाए तो वो भूल जाती है वो मिनी ट्रक है, उठा के उस बच्चे को बचा लेती है। इसको कहते हैं एफर्ट्स, इसको कहते हैं हिम्मत। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कुछ टैलेंट की जरूरत नहीं होती, इसके लिए एफर्ट्स की जरूरत होती है। एक पत्थर को मूर्ति में बदलने के लिए, एक प्रतिमा में बदलने के लिए एफर्ट्स की जरूरत होती है। वो छलनी, वो जो छलनी डालते हैं, वो सहने की ताकत होनी चाहिए, वो एफर्ट होना चाहिए। कि दूध को घी बनाने में कितना एफर्ट होता है, एक दूध को घी बनाने में खुद का समर्पण करना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है उस दूध को, तभी उसका क्या बनता है, घी बनता है। पूर्ण समर्पण होना पड़ता है, मिट जाना होता है, तब उसका घी मक्खन निकलता है। तो वो एफर्ट्स होने चाहिए, वो प्रयत्न होने चाहिए अपने काम में, तो हम जीत सकते हैं। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत है? जो काम करने वाले हुए तो उसके लिए डिग्री और टैलेंट की जरूरत नहीं है। एफर्ट्स के लिए आपका आपका खुद का सपना, आपका जो जो करने की इच्छा है, उसके लिए आपको मजबूती से काम करना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज, मैंने ऐसे किया तो क्या बोलोगे, क्या हुआ, बाथरूम जाना, इसके लिए ऐसे किया तो पेट दुख रहा है, इनको अगर बोला तो क्या समझेगी, ये सुंदर दुख रहा है। बॉडी लैंग्वेज, इसके लिए कोई डिग्री जरूरी है, टैलेंट जरूरी है? अगर किसी ने अच्छी साड़ी पहनी है, सुंदर दिखता है, इतना भी कह दिया तो इसके लिए डिग्री जरूरी है? कुछ नहीं जरूरी है। बट बॉडी लैंग्वेज इज सो पावरफुल कि कोई किसी कंट्री में आप निकल जाओ और उस देश की भाषा नहीं आती होगी आपको, आप बात करना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं खाना कहाँ खा सकता हूँ, मुझे रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, पूछ सकते हो। कोई भी कंट्री में चले जाओ, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप वहां जिंदा रह सकते हो। भाषा तो बाद में सीखी जा सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जो आपको कहीं भी कैसे भी परिस्थिति में जिंदा रखेगी, आपको उधर मजबूती से रखेगी, आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन यही बॉडी लैंग्वेज एक व्यक्ति ने यूज की और जिंदगी में पूरे जग को इतने दिनों से, मतलब आज तक उंगलियों पे नचा रहा है। आपको लगता है बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट। आप किसी से बात करते हो और थोड़ा गुस्से से बात करते हो तो उस व्यक्ति को लगेगा गुस्से में है, प्यार से बात करते हो तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि ये प्यार से बात कर रहे। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक व्यक्ति ने पूरे जग में अपने उंगली पे पूरे जग को नचाया था। नाम जानना चाहती हूं आपसे बॉडी लैंग्वेज से, कौन है वो व्यक्ति, बोलिए, आपसे आंसर पूछ रही हूं। अपने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से एक व्यक्ति ने पूरे जग को अपने उंगलियों पे नचाया था। माइकल जैक्सन? नहीं, उन्होंने बात भी की थी, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज। चार्ली चैपलिन? हाँ, नाम सुना है? यस, वेरी गुड। चार्ली चैपलिन का हमने नाम सुना है, जिसने पूरे जग में अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई है। मिस्टर बीन भी इसमें है, है? उसको भी ऐड कर सकते हैं, जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज, ऐसा कोई है जो चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन को नहीं जानता? हाथ ऊपर करके, सब जानते हैं।
इसके पास तो कोई टैलेंट ही नहीं था, ये आदमी तो दिखने में भी अच्छा नहीं था, उसमें कुछ भी प्रतिभा नहीं थी, फिर भी आज पूरे जग भर में इसको जाना जाता है बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आपका बर्ताव लोगों के साथ कैसा है, आप क्या देना चाहते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जीतने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज मदद करेगी। डिग्री नहीं है, टैलेंट नहीं है, चलेगा। एनर्जी कितनी होनी चाहिए? भरपूर एनर्जी होनी चाहिए। इसी एनर्जी की वजह से आज जो राम कृष्ण महावीर जी और बुद्ध जो बने हैं, इनर पावर था। उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली थी, कहां पढ़ाई नहीं की थी, द एनर्जी फ्रॉम इनसाइड, उस एनर्जी को उन्होंने ज्ञान में परावर्तित किया और इस ज्ञान से समाज को उन्नति के पास लेके गए। कोई टैलेंट इनके पास नहीं था, कोई डिग्री भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी जनरेट की और वही एनर्जी पास ऑन की। आपको लगता है एनर्जी के साथ जीता जा सकता है? कोई आपके सामने बैठा है और एकदम शांत से बैठा है, क्या मजा आएगा? उसके बदले कोई आपके सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो जिंदा दिली से खड़ा है और एंजॉय कर रहा है, आपको क्या लगेगा? बहुत बार ऐसे होता है ना, किसी को नाचते हुए देख के हमको भी नाचने को मन होता है, किसी को गाते हुए देख के हमको भी गाने को मन होता है, किसी को प्लेटफॉर्म डीएसएल पे क्राउन एम्बेसडर बन के जो शान से चलते हैं, तो हमको भी मन होता है कि क्राउन एम्बेसडर बन जाए, बराबर है? तो क्राउन एम्बेसडर के लिए तालियां होनी चाहिए। एनर्जी ऐसी चीज है जिसको डिग्री की जरूरत नहीं है, जिसको टैलेंट की जरूरत नहीं है, वही एनर्जी आपको कन्वर्ट करके आपके उन्नति के लिए, आपको मास्टर बनाने के लिए, आपको पावरफुल बनाने के लिए काम आती है। एटीट्यूड, कितना एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव? कितने लोगों को लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए? कितने लोग हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले? और मुझे एक हाथ नहीं, दो हाथ ऊपर चाहिए होते, क्योंकि ऊपर वाला है ना, एक हाथ को समझता नहीं, उसने कितने हाथ दिए? दो। कितने हाथ दिए? दो दिए ना, दो, तो दोनों भी दो। तो एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए? 100%, 1000%। क्या ये डिग्री के बाद एटीट्यूड आता है? डिग्री लिखी जाती है एटीट्यूड की? हाँ, कोई स्कूल में मिलता है एटीट्यूड? कोई कॉलेज में एटीट्यूड मिलता है, लिख के मिलता है? कितना एटीट्यूड? 90% आपको दे दिया, 1000% दे दिया, आज दिया, कल दिया, परसों दिया, एटीट्यूड लिख के मिलता है? नहीं मिलता है। कहाँ मिलेगा फिर? खुद में रहता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? हमने एक कथा सुनी थी, डेविड और गोलियत की। कितने लोगों ने ये कथा सुनी है, डेविड और गोलियत की? एक नन्ना सा बच्चा था और उसके गांव में एक बड़ा सा राक्षस आ गया और वो सबको खाता था, जैसे उसको भूख लगी पकड़ता था खाता था, पकड़ता था खाता था, और उस राक्षस को मारना था, तो सब अपने घर में धूम दबा के बैठ गए, इतना बड़ा राक्षस क्या करेंगे। लेकिन एक नन्हा सा बच्चा, उसका एटीट्यूड देखो, डेविड का एटीट्यूड देखो, उसके पास गिलोरी, आप समझते हो, ओके, उससे क्या मारा जाता है, कुछ भी चीज उसमें डाल दो, खींचो और दबा दो, बराबर है? हाँ, तो उसके पास वो था, तो बोला इससे मैं वो गोलियत को मारूंगा। गांव वाले हंसने लगे, बोले पता है तुझे कितना बड़ा है वो गोलियत, और तू इतना नन्हा सा बच्चा और उसके गिलोरी भी क्या इतनी सी, उस सब क्या पहुंचेगा? उसका एटीट्यूड था, अरे वो इतना बड़ा है ना, वही अच्छा है, क्योंकि मेरा हर एक वार उसके शरीर पे जाएगा, हर एक वार उसके शरीर पे जाएगा, किधर तो लगेगा, किधर तो मैं इसको हिलाऊंगा। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, उसकी उस गिलोरी से गोलियत को मार नहीं दे। ये एटीट्यूड होना चाहिए, मेरे पास कुछ भी है लेकिन मैं उससे जीत सकता हूं। क्या इसके लिए डिग्री चाहिए? टैलेंट चाहिए?
कहा कॉलेज में स्कूल में मिलेगी नहीं, इसके लिए एटीट्यूड होना चाहिए। एक बार हमने एक कथा सुनी थी पांचवी कक्षा में, शायद आधी अधूरी रहेगी तो आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ। एक राजा था, उसका उंगली कट गया, तो उसने अपने मंत्री को बोला हे दया मेरा उंगली कट गया। तो मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ, ठीक है जो भी होता है अच्छे के लिए। राजा भड़क गया, अरे तू क्या बोल रहा है, मेरी उंगली कटी है, तेरी नहीं है, तो तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने एक चपाटा लगाया, उसको तुरुन में डाल दिया। तुरुन को क्या कहते हैं हिंदी में? जेल में डाल दिया। नहीं, जेल तो इंग्लिश है, तुरुन को क्या बोलते हो आप? कारागार में डाल दिया। अच्छे बच्चे तीन ही लैंग्वेज जानते हैं। कारागार में उसको डाल दिया, एक चपाट लगा के कारागार में डाल दिया। जब कारागार में डाल दिया तब भी वो मंत्री खुश था, और राजा चला गया शिकार के लिए। जैसे वो शिकार के लिए गया, उधर के वो आदिवासी मुखिया ने उसको पकड़ लिया, और उस दिन क्या चढ़ने वाली थी? बलि चढ़ने वाली थी। जैसे बलि के लिए राजा को ले